करके मेरे परमपुरोहित कलानाथ जी ने आपको बता दिया है कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण और मधुसूदन दोनों का जन्म। जो काम कृष्ण ने किया है उसको आगे कर अच्छा की दृष्टि से अपन देखे हैं नित्यदर्शी है कि कृष्ण के उसी काम को ओझा जी ने आगे बढ़ाया है। अर्थात यह कहना चाहिए कि ओझा जी के इस समय तक आते आते हम लोगों ने वेद के वास्तविक स्वरूप से दूर हट करके और नाना प्रकार की कुछ उससे इतर बातें लेकर के थोड़ा धूमिल कर दिया। कृष्ण ने भी अपना यही काम किया था, इन्होंने भी, और नाम में भी देख दो नाम संत है, वो भी मधुसूदन है और ये भी मधुसूदन है, और मधुसूदन नाम से इन्होंने काम किया है। इसे छोटा सा उदाहरण आपके सामने है कि वो युग था एक जहाँ ये लोग जब भी कभी बैठते थे आपस में कहीं कहीं ज्ञान विज्ञान की बातें हुआ करती थी। अर्जुन और कृष्ण दोनों एक जगह बैठे हैं, अब बैठे हुए हैं तो बात चलते चलते तो अर्जुन ने कुछ विशिष्ट नाम रखे कृष्ण के सामने और कहा कृष्ण तुम मुझे इनका निर्वचन बता दो, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो कम से कम 40-50 नामों का साधारण रूप से वहाँ निर्वचन भगवान कृष्ण ने कहा। अब उनको वैदिक कहेंगे या केवल दुष्टों को मारने वाले एक महापुरुष के रूप में देंगे। आगे जब ये बात चल रही थी तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ और प्रश्न ये था कि अग्नि और सोम इनको हमने जगत का निर्माता माना है और कहा भी अग्नि सोमात्मा कम जगत, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अग्नि और सोम को एक योनि भी बताया गया, अर्थात जो अग्नि का उत्पत्ति स्थल है वही सोम का उत्पत्ति स्थल है, तो ऐसी अवस्था में ये दोनों बातें कैसे संगत होगी। हे मधुसूदन तुम मुझे बताओ, भगवान व्यास ने वहाँ अर्जुन के मुंह से जो निकला मधुसूदन शब्द था उसी को लेते हुए महाभारत ने प्रस्तुत किया। तो अब देखिए मधुसूदन जब ऐसी ऐसी बातें कह रहा है तो उन्हीं के अनुग्रह से उन्हीं की कृपा से जन्म देवी दे इन मधुसूदन जी के साथ ये सारे सारे गुण क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये कृष्ण जो कह रहे हैं वो केवल सामान्य बात नहीं है, या हम सोचें मधुसूदन जी ऐसा था सामान्य, इनका भी क्रम चलता है। क्रम कैसे चलता है, गीता आप सबको ज्ञात है, गीता में एक जगह प्रासंगिक रूप में कृष्ण जी ने कहा कि किसी समय बहुत पहले मैंने विवस्वान को यह ज्ञान दिया था, विवस्वान ने यह ज्ञान फिर मनु को दिया और मनु से उन लोगों में चला। वो कहते हैं इदम विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनु रिक्षा कव्य ब्रवीत, ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत जो पिता के नाम पर वैवस्वत मनु है मनु था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने फिर अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार राजर्षियों के बीच में संपूर्ण जगह फैलने का काम करने वाले ज्ञान कालांतर में नष्ट हो गया, उसके लिए मैं ये तुम्हें सब कुछ कह रहा हूँ। अब भगवान जी भी कह रहे नष्ट ज्ञान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उनका संकल्प क्या था, सीधा था कि वेद का उद्धार। तो इस वेद उद्धार की जब बात आती है तो हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा कि कृष्ण को क्या लगा था और आज मधुसूदन जी क्या लगा कि यह उद्धार क्यों आवश्यक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आज हम वेद भाष्य की जब बातचीत करते हैं तो हम किसी भाष्य को नहीं पाते हैं जो पुरातन हो। पुरातन से पुरातन भाष्य किसका हो सकता है? आज हमारे यहाँ भगवान की कृपा से, मैं बार बार क्यों कहूँगा, कलानाथ जी ने बहुत अच्छे तरह कह दिया कि हम अपनी जगह जागरूक हैं, विश्वविद्यालयों में और ये इस प्रकार जहाँ स्रोत दिए जाते हैं वेद आदि के, वहाँ स्कंद स्वामी के भाष्य को पहला बताते हैं और छठी सातवीं शताब्दी का बताते हैं। अब यहीं से हमारे इतिहास की सारी त्रुटियाँ हैं। वस्तुतः स्कंद स्वामी संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य के अपना संवत चालू होने के पाँचवें छठे वर्ष में उसी के समय बैठे काम कर रहे हैं। अब कहाँ 2675 वर्ष और कहाँ आज ईसा के 5600 वर्ष। तो सबसे पुराना भाष्य कर लें तो ये 2500 वर्ष का, इसके पहले जाए कहीं भाष्य नहीं। तो क्या पहले के लोग वेद पढ़ते नहीं थे?
या भाषी नहीं बना सकते थे या उन्हें भाषी की आवश्यकता नहीं थी। इसको देख करके ही तो कृष्ण ने कहा कि वेद संबंधी कुछ सिद्धांत लोगों के सामने रखे जाए, और यही कमी आज है। हम लोग वेदांत भी जानते हैं, पर ये ओझा जी का एक बड़ा विस्तृत मत है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। वो सारे वेदों के पहले एक विशेष ग्रंथ को, जिसका नाम है बिल्कुल ब्रह्मांड पुराण के नाम से दिया, और कहे पुराण वेद से भी पहले का। आप में से कोई भी व्यक्ति एकाएक इसको स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वेद आदि और वेद से कोई रचना है ही, तो ओझा जी ने क्यों कहा। तो इसी विषय को थोड़ा सा लेकर के ओझा जी के काम की दृष्टि से हम आगे बढ़ें, तो इस समय आवश्यकता थी कि वेद के प्रति हमारी श्रद्धा जाती जा रही थी और हम धीरे 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 वेद से दूर हटते जा रहे थे। ये कष्ट सबसे पहले जिस व्यक्ति की दृष्टि में आया वो ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने देखा कि वेद में हम हट करके और दूसरे ग्रंथों को खूब महत्व देकर के जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, वैदिक संस्कृति से कह रहे हैं, उसका तो वास्तव में लोप होता जा रहा है। इसलिए दयानंद ने एक ही आपको दिया आदेश कि वेद की ओर लौटो। क्या? अर्थात दूसरी चीजों के प्रति अपना ध्यान कम से कम दो और वेद की ओर आओ। अब ऋषि का प्रयोजन यह रहा होगा कि हम रात दिन प्रारंभ से अंत तक इस ऐसे दबे रहते हैं सांसारिक कि हमें कहीं वेद की ओर ध्यान आता ही नहीं, तो वेद की ओर ध्यान दीजिए का अर्थ यही है, यानी कि आप जो है और दूसरे उसका अर्थ लगाएं तो वेद की ओर ध्यान देने की योजना। अब चूंकि दयानंद को इनकी जल्दी थी, उन्होंने सामान्यतः कि मैं वेद में क्या पा रहा हूँ और विभाजन जो देखिए ऋषि के और इनके क्या नाम मधुसूदन जी के विभाजन लगभग मिलते हैं, पर थोड़ा सा जो अंतर है, ऋषि दयानंद कहते हैं वेद में विज्ञान है, सबसे पहला उन्होंने विज्ञान को लिया, और इधर मधुसूदन जी भी वेद में यज्ञ के साथ विज्ञान को दूसरे नंबर पर ले रहे हैं। तो विज्ञान है और विज्ञान के बाद में कर्म है और कर्म के बाद में उपासना है और उपासना के बाद में ज्ञान है, ज्ञान कांड दयानंद जी का। और अपने जो मधुसूदन जी कहते हो क्या कहते हैं कि यज्ञों से विज्ञान मथे इतिहास है स्त्रोत्रम कदित्थम विषया विभक्ता। सबसे पहला वेद का प्रमुख विषय है वो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। और दूसरा विषय जो है विज्ञान है। तीसरा विषय क्या है? इतिवृत्त है। और चौथा विषय जाकर के स्तुति है। अब इन नाम को देखेंगे तो आपको बड़ा अटपटी लगेगा कि वेद मात्र स्तुति के लिए। लोगों ने इस पर बड़ी आलोचनाएं की हैं, पर इनके पहले ये बात भगवान व्यास कह चुके हैं कि देवानाम यह स्तुत्यर्थम वेद सृष्ट स्वयं हुआ। भगवान स्वयं मनु ने इन देवताओं के स्तुति के लिए वेद की सृष्टि की है। तो स्वाभाविक रूप से इस चीज को पहली बार हम केवल मधुसूदन जी के ग्रंथ में पा रहे हैं कि उन्होंने वेद के चार विभागों में स्तुति को भी लिया है। तो इस प्रकार की चीज को हम देखते हैं तो आप सोचिए कि सबसे पहले जब आप विज्ञान को ले रहे हैं तो विज्ञान क्या है? इधर मधुसूदन जी ले रहे हैं यज्ञ को, तो यज्ञ क्या है यह हमें जानना ही पड़ेगा, और इनका मूल क्या है और यज्ञ की प्राथमिकता क्यों है। आप बताइए वास्तव में पहले वेद है पहले यज्ञ? जो हम कहें सबसे आदमी वेद ही है, वेद से पहले कोई चीज है ही नहीं। तो वहाँ हमारे आचार्य लोग भी पहले कह गए हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य वो हैं भगवान स्वयंभुव मनु। वो वेद से जो उद्देश्य मानते क्या मनुष्य के जीवन की कामनाओं में सर्वप्रथम जो कामना होनी चाहिए जीवन भर वही एक रहनी चाहिए, वेदाधिगम और कर्मयोगश्च वैदिक। आप जैसे तैसे भी वो वेद को प्राप्त करें और इसी वेद के बताए हुए कर्मयोग पर चलें। एक वाक्य में मनोन एक बात स्पष्ट करिए, अब इसी वेद को पकड़ें ये वेदाधिगम हुआ। अब वेदाधिगम क्यों है और हम कैसे वेद को सुरक्षित रखेंगे? सुरक्षित रखने के क्रम में और वेद से यज्ञ के क्रम में हम लेंगे तो यज्ञ का पहला स्थान है। यज्ञ आपके ये मन का श्लोक है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह
यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुषाम लक्षणम। अग्नि, वायु और रवि, इन तीनों से सनातन, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे वेद को, ब्रह्म को दोहा गया। किसके लिए? यज्ञ सिद्ध, यज्ञ की सिद्धि के लिए। तो अगर यज्ञ की सिद्धि के लिए वेद है, तो आपका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख करणीय वस्तु कौन सी हो जाती है? यज्ञ, जिसके लिए वेद आया। तो मधुसूदन जी ने यज्ञ को लिया। अब यज्ञ कोई सामान्य वस्तु नहीं है। हमने यज्ञ को कम से कम ऋषि दयानंद ने इतना तो कर दिया कि प्रातः सायं जो अग्निहोत्र है उसको हम निश्चित रूप से रखें और करें, इस पर जोर दिया। हमारे यहाँ सहज रूप से था, जीवन का पहला विभिन्न अंग हम भूल गए। और आज तो हमारे यहाँ यह मज़ेदार वस्तु हो गई है। बड़ा दुख होता है कि कुछ मंदिर विष्णु वगैरह छोटा छोटा श्लोक लेकर के और विवाह हो जाता है। ओम अनंत से विवाह हो गया। अब आप सोचिए कि ऋषि दयानंद जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो कहाँ गए? यद्यपि यज्ञ भी एक कर्म है, महर्षि जिन्होंने वेद की प्राप्ति भी की है और वेद के ऊपर भाष्य भी किया है, जिनका नाम है शतपथ ब्राह्मण भाष्य, वो कहते हैं यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। संसार के जितने भी कर्म हैं सब अच्छे हैं, पर जितने भी कर्म हैं उन सबका सामूहिक रूप से जितना लाभ होगा उससे भी अधिक श्रेष्ठतम लाभ देने वाला अगर कोई कर्म है तो वह है यज्ञ। और इधर आप सभी लोग पुरुष सूक्त को सुनते रहते हैं। पुरुष सूक्त में है यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। लोगों ने यज्ञ से यज्ञ का पूजन किया, इसका मतलब इसी मंत्र से स्पष्ट हो गया यज्ञ के दौर था। यज्ञ का पूजन किया, किससे किया? यज्ञ से किया। तो यज्ञ में का जैसा पूजन करने का साध्य हो गया और यज्ञ पूजन करने का एक प्रकार हो गया। तो मतलब यज्ञ प्रकार भी है और यज्ञ मूल भी है। इसलिए यज्ञ से ही आपके ऋग यजुषाम अथर्व आदि वेदों की उत्पत्ति मानी गई है। संसार की दृष्टि से अपन देखेंगे तो यज्ञ से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और यज्ञ से ही आगे भी बढ़ी है। तो अब इस दृष्टि से यज्ञ का सबसे पहले क्रम देना कितना अच्छा। दूसरी बात है कि हम विज्ञान तो जानेंगे जो वेद के अर्थ समझ सकेंगे, जो वेद का अर्थ नहीं यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ कल्प को दूसरे नंबर पर जाएगा, छह मोन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त इत्यादि। तो कल्प का मतलब है यज्ञ करने का तरीका, यज्ञ करने की विधि। तो यज्ञ करने की विधि सिखा करके हम मुक्त हो गए कि कम से कम जिन्होंने इस विधि को सीख लिया है इन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से करते हुए संसार में फैला सकते हैं। इसलिए यज्ञ अच्छा विज्ञानम मधुसूदन जी, पर आपने विज्ञान को सबसे पहले दे लिया और वेद का स्वरूप ही तय नहीं हो पाया कि वेद है क्या। विज्ञान का अर्थ साधन क्या है? आज अपन लोग यही देखते हैं कि जो नवीन क्या नाम अनुसंधानों के आधार पर कुछ हमें तत्व ज्ञात में, उस तत्व के ज्ञान से हम संपूर्ण पार्थिव जगत के विषय में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। जब चंद्रमा तक जा रहे हैं, मंगल तक जा रहे हैं, ये विज्ञान ही है। तो क्या हमारी विज्ञान यही था? अच्छा, इसे कोई भिन्न विज्ञान था, ये सोचने की बात है। क्योंकि विज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया उपनिषदों ने कहा विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछे। देखिए विज्ञान का पहला काम है यज्ञ। आप यज्ञ बना भी दिया, आपने लोगों को सिखा भी दिया, लोग यज्ञ कर भी रहे हैं, पर ये यज्ञ वस्तु से क्या है? इसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए दूसरे कदम पर जो आवश्यकता पड़ी वो आवश्यकता थी विज्ञान की। और मधुसूदन महाराज ने इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही सारे ग्रंथों की सृष्टि की है। क्योंकि यह जो आपका स्तव है या स्तुति है, जो भी वेद का एक भाग अर्थ से संबंधित है, अर्थ के बाहर नहीं है। जब तक स्तुति, क्योंकि अपने भगवान व्यास के ही जो शिष्य हैं जैमिनी, उनका स्पष्ट कहना है कि गुण और गुणी इन दोनों के आपसी संबंधों को स्थिर करना, यही हमारे इसका स्तुति का काम है। गुण गुणी के बीच के सारे संबंधों को बताते हुए उनके महत्व को समझाना, यह स्तुति है। तो जब वेद में इन नाना प्रकार की किस देवता क्या काम है, क्या क्या है, ये हम देखेंगे जानेंगे, तभी हम विज्ञान के निकट पहुंचेंगे। तो इस दृष्टि से यज्ञ और विज्ञान को नहीं लिया।
तो यज्ञ विज्ञान को लेकर के वो तीसरी जिस चीज पर आ रहे हैं वो है आपका इतिहास, पर उन्होंने इतिहास नाम नहीं दिया, इन्होंने से नाम दिया है इतिवृत्तम। क्या नाम दिया? इतिवृत्तम। अब इतिवृत्तम शब्द का अर्थ देखिए क्या होता है, वृत्तम का अर्थ जो कुछ घटा, इति का मतलब है जैसा मैं बता रहा हूं या आप देख रहे हैं, तो जो आपने देखा है वो भी एक इति है क्योंकि आपने अपनी दृष्टि को निर्णय किया है और मैं जो बता रहा हूं वो मेरे कथन की इति है। तो इति का जो कुछ भी वृत्त है व्यवहार है उसको व्यक्त करना ये इतिहास का इति वृत्तम। इसलिए कहते हैं विज्ञान की जब हमें आवश्यकता हो तो उसमें इति वृत्ति की पहले आवश्यकता है। आज आप सृष्टि के ऊपर जो सारा का सारा प्रयत्न कर रहे हैं जानने करने का, सृष्टि सामने है इसलिए कर रहे हैं, अगर सृष्टि नाम की वस्तु होती ही तो आप कहाँ से करते हैं। तो इसी दृष्टि से इस क्रम को जो उन्होंने लिया है, जो विज्ञान को लिया है, यज्ञ को इस प्रकार, अब बाकी दोनों इनके उपोज बल फैलाने वाले हैं। इधर आपको अभी बताया था बंधु कलानाथ जी ने कि हम इतिहास को पसंद ही नहीं करते, अब ये चार ले रहे हैं उसमें इतिवृत्त तीसरा है और ये पसंद ही नहीं करते। दूसरे पुराण के लिए तो और भी प्रसिद्ध बात कर दी गई है कि दोनों प्रसिद्ध हो गया, पुराणम प्रसमम गप्पम, ये एक महापुरुष इस प्रकार की बातें लोगों में फैलाए, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा सारा यज्ञ सारा वेद सुबह शाम अग्नि स्वाहा में हुआ। इसके बाद नहीं है क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, हम भी उनमें एक हैं कि आज जो वेद ने हमें जीवन पद्धति दी है और जो कुछ आदर्श दिए हैं उन जीवन पद्धति आदर्श को देख करके दो भाई कोर्ट में जाए और जिंदगी भर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, क्या वेद ये बता रहा। इस जगह आप देखिए कि मधुसूदन जी क्या काम किया गजब का, और वो उनका एक बहुत सुंदर वाक्य और याद करने योग्य किया, वो कहते हैं सर्वम जगत ब्राह्मण मेव वर्तते, क्या सर्वम जगत ब्राह्मण मेव वर्तते, सारा संसार ब्राह्मण है। और हमारे यहाँ जिन्हें हम ऋषि कोटि में मानते हैं कर्पात्री जी महाराज जिंदगी भर इस बात पर लड़ते रहे कि ब्रह्म से मनुष्य के बीच में आ ही नहीं सकता है, और तो सारा जगत कहाँ से ब्राह्मण, आपके चार वर्णों में ही जो इस ब्राह्मण के बाहर निकाल देते हैं द्विज करके तीन अलग कर देते हैं एक अलग कर देते हैं, क्या ये वेद के अनुकूल व्याख्या है, सर्वम जगत ब्राह्मण नहीं करते थे, अथवा वो जो कर रहे हैं वेद के अनुकूल है। अब इसको समझने के लिए हम लोग आपस में युद्ध करते रहे अथवा वेद को प्रमाण में माने, वेद को प्रमाण में माने तो वेद तो स्वयं ही बात क्या, वेद यही बात कह रहा। हम आर्य समाज में देखते हैं कि वेद का एक ईश्वर ने जहाँ तक संभव है जैसे पुस्तक के रूप में दे दिया, और इसका समर्थन करने वाले थे खास भगवान व्यास के जैसे शिष्य जो हैं जैमिनी, वो भी कुछ वेद को इसी प्रकार का मानते हैं कि उन्होंने प्रकट किया। ये क्या नाम इस प्रकार मधुसूदन जी ने माना, मधुसूदन का वेद कुछ और ही करता। देखो आपके है वेद में एक उच्छिष्ट सूक्त है, उसको नहीं पहले चर्चा करूंगा मैं, वेद में एक दूसरा सूक्त है जिसको हम मन्यु सूक्त बोलते हैं, उस मन्यु सूक्त का एक मंत्र है और इतना सरल मंत्र है कि आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, वो है विद्याश्च अविद्याश्च, विद्याश्च अविद्याश्च यत् किंचित उपदेश्यम, एक तो संपूर्ण विद्याएं और संपूर्ण अविद्याएं, और यत् किंचित उपदेश्यम जो कुछ भी संसार में ज्ञान इत्यादि के विज्ञान आदि के सारे उपदेने योग्य है, शरीरम ब्रह्म प्राविशत, कितना सरल है वो ब्रह्म इन सब को लेकर के शरीर में प्रसिद्ध हुआ, कौन सा ब्रह्म कहीं भूल कर जाओ कि जो सृष्टि रची था वो ब्रह्म होगा, कहने ऋक साम अथा यजुहु, यह अथर्वेद का मंत्र है, मनुष्य का मंत्र है। और आप बताइए ऐसी स्थिति में हम वेद को केवल पुस्तकों के अथवा ज्ञान तक सीमित मान लें तो हम वेद से बहुत दूर हो गए, और रातिन पढ़िए हम अपना बृहदारण्य को उपनिषद है उसमें एक वाक्य बड़ा अच्छा है, यही जो अपने क्या इनकी पत्नी जो है ईशावश का क्या नाम शेषवत ब्राह्मण करता महर्षि क्या नाम ब्राह्मण
हाँ क्या बोल रहे अब जगह इतना स्पष्ट बोल सी नहीं सुन पा रहा हूँ मुश्किल है। हाँ याज्ञ वर्कर कौन है याज्ञ वर्कर तो दो के साथ एक बार तो अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हैं और एक विदुषी उनको कुछ प्रश्न कर रही है उसके जवाब दे रहे हैं। उस जगह दोनों जगह उन्होंने एक बात कही है वेदास्तम परादु वेदों ने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया यह अन्यत्र आत्मनो वेद जो वेद को आत्मा से भिन्न कुछ अन्य वस्तु मानता है इसका मतलब ये विश्वास कि वेद आत्मा का ही नाम है। तो अब आप सोचिए शरीरम प्राविशत में क्या बाधा है आप अपने यहाँ जो स्तुति वाले मामले में उसमें भगवान विष्णु के नाम का भी सहस्र नाम है दो तीन और भी हैं एक पद्म पुराण का भी है ये महाभारत का है और अनुशासन पर्व का है इसमें भगवान के नामों में एक नाम वेद भी लिया गया। अब तो पति वेद के भगवान होने में क्या है या केवल स्तुति मात्र के लिए वेद भगवान तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो इसके लिए या वास्तव तो आर्य समाज इससे ऊपर नहीं उठ पाया कि शास्त्र ज्ञान के अलावा भी वेद नाम की वो चीज है। और वेद स्वयं जब कह रहा है कि शरीरम ब्रह्म प्राविशत ऋत साम अथ यजु इस पक्ष को मधुसूदन जी ने जिस प्रकार से पकड़ा है उनका सारा विज्ञान इसी पर बल गया। पर चूंकि वेद इतना सरल भी है शब्द भी सरल है पर जब हम प्राकृतिक प्रदेश प्रथम दृष्टि से उसको देखेंगे करके तो हमारे सामने इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। दो कारण एक तो विज्ञान का संबंध हमेशा होता है प्रत्यक्ष दर्शन प्रयोगशाला है ओझा जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि आज प्रयोगशालाओं के निर्माण जैसे प्राचीन साहित्य का आधार नहीं रहा है उस आधार के न रहने से मैं इस विषय को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ किंतु फिर भी जितनी अपनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं वेद के इस भाव को ऑप्शन रखूँगा इसी का नाम है विज्ञान। तो सृष्टि जो अपना आपके सामने है ये विज्ञान है हम लोग ज्ञान और विज्ञान में विशेष ज्ञान जो है विज्ञान को मान लेते थे विज्ञान का है वो विषय जो आपके अनुभूति तक पहुँचकर आत्मा का एक अंग बन गया और उसके द्वारा जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है उसका फल विज्ञान है। तो सारे पुराण एक स्वर से यही काम करते हैं कि ये विज्ञान ही सारी सृष्टि को बनाने वाला है। तो मनुष्य मधुसूदन जी ने इस पक्ष को लेकर के और इस पुराण को देखिए वहाँ इतिवृत्त यही था ना इतिवृत्त करते उन्होंने इतिहास ले लिया अब इतिहास और ऊपर बैठे इतिहास में जो कुछ हमारे सामने वृत्तम हो चुका है घटा है अब उसको हम करें वहाँ तक तो इतिवृत्त हो गया इतिहास के रूप में पर जो कुछ हमारे सामने नहीं घटा उसके क्षमता से कहें बस तो जो कुछ घटने जा रहा है और उसकी पूर्व भूमि जो कुछ रही है इस बात को बताने वाली अगर शक्ति कोई है ज्ञान की उसका नाम है पुराण। क्या है पुराण आपके जो पुराणम पंच लक्षणम है इसका लक्षण वेद का मंत्र है मूल वो है वो मंत्र है ये तो है पूर्वा भूमिरियम ये जो कुछ आप देख रहे हैं इसके पूर्व में सी क्या भूमि प्रकट करती शक्ति थी जो उसको जानने वाले हैं कौन जानते अध्यात जो केवल अध्याती लोग हैं वो इसको जानते हैं। ये आज जो सारा विश्व आपके सामने है सारी सृष्टि आपके सामने है इसको अगर यथावत जानना चाहेंगे तो उसको जानने वाला एक ही व्यक्ति होगा जो अध्याती होगा। अध्याती सामान्य रूप से लोगों ने मेधावी अर्थ में लिया पर आश्चर्य होगा कि भगवान व्यास ने अपने निघंटु में महिषी नामों में अध्याति को लिया है और अध्या का अर्थ सत्य क्या है सत्य और केवल जानकार तो जो केवल सत्य का दृष्ट है जान करके देखने वाला वो है अध्याति अर्थात दूसरे शब्द में ऋषि क्योंकि देखिए निरुक्त में उन्होंने स्पष्ट कहा है क्या कहा है साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बहुवु धर्म का साक्षात्कार करने वाले लोग ऋषि हुए क्या साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बहुवु ते साक्षात कृत उपदेशेन वेदान संप्रादु उन ऋषियों ने जो अपना अनुभूति पूर्ण ज्ञान ईश्वर की दया से प्राप्त किया है उसको वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं तो उनको उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं
पर उसको लेने वालों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके अभी अनुभूति नहीं है, केवल बौद्धिक ज्ञान है। तो उस अनुभूति और बौद्धिक ज्ञान के बीच में हमारे खुद के रूप में अनेक शास्त्र बने, वहाँ कहते हैं समामना कह वेदंच वेदांगानी च, वेद और वेदांगों का समा। तो इसलिए वेद पहले या वेदांग पहले यह प्रश्न भी तरह से व्यर्थ हो जाता है। आपको कुछ उदाहरण दो, इतिहास भी सिद्ध करेगा उसे कि आपके यहाँ एक नया वर्ष आया करता है क्या, अधिवर्ष क्या बढ़ाओ एक साल, सारे संसार में क्या सारा विश्व जिससे काम ले रहा है वो आज हमारे सामने जो ईस्वी सन का कैलेंडर है उसमें कहीं वर्ष बढ़ाया गया है, और भी जो दूसरे देश ने उनके बढ़ाया गया, फिर आपके जो कैसे आ गया। और वेद कह रहा है तो वेद आपके अधिवर्ष को जब मानता है और कह रहा है तो इस अधिवर्ष को निकालने वाला शास्त्र कौन सा होगा, ज्योतिष। तो ज्योतिष वेद में है, उसके द्वारा निकाला हुआ जो सिद्धांत है उसकी वेद प्रशंसा कर रहा हूँ, कहते हैं वरुण देवता है उसकी स्तुति हम कर रहे हैं, स्तुति का स्तुति क्या होता है, स्तुति कर रहे हैं। तो कहते हैं वेद मास धृतव्रत द्वादश वरुण प्रजावत, ये वरुण इन बारह के बारह मासों को जानता है जो मास प्रजावान है जिनके में स्वयं के काफी अंश है। अब बताइए वेद मास वरुण अगर बारह मास को मानता जानता है तो उसका मतलब इन बारह मास में, बारह मास में अंतर क्या होता है कि आपसी गतियों को जब एक साथ सम्मिलित करेंगे और फिर जब समन्वय के रूप में अंतिम परिणाम लेंगे वो होगा, तो नाना प्रकार की गणित करना उन परिणामों को एक करके और सिद्धांत रूप में कह देना हाँ भाई ये वर्ष अधिक, ये बताइए ज्योतिष को पहले बता रहे हैं वेद को पहले बता रहे हैं। आप सोचिए थोड़ा थोड़ा, एक मोटी सी बात है, आपके जो ईशावाश्योप निषेध है ये वस्तुतः यजुर्वेद का खासकर शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय तो है, और इसमें दो बात कही है और दो बार इस बात को दोहराया, एक बार क्या नाम आपके विद्या अविद्या को लेकर के, इसमें एक मंत्र है कि अविद्या अविद्या और विद्या इन दोनों को जानने की हमें आवश्यकता है, क्यों कि विद्या से कुछ और होता है अविद्या से कुछ और होता है, और हम उस और को दोनों को मिलाकर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और उसके पूरे लाभ प्राप्त करें इसके लिए इन दोनों का जानना जरूरी है। तो वो कहते हैं विद्याश्च अविद्याश्च या है यह जानना कि उभयम से है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नु। आज आप सोचिए ये जो हम आयुर्वेद जैसे ग्रंथों से देखते हैं ये अब इस दृष्टि से किसमें आएगा, अविद्या में या विद्या में, मृत्यु का अवतरण इन्हीं से अविद्या मृत्युम तीर्थवा अविद्या से मृत्यु को पार करके और फिर जो है हम विद्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करें। तो अब यहाँ पर हम लोग अविद्या का बड़ा उल्टा सुलटा करें माया कहीं छल, और ये भी हमारी आचार्य लोग करें क्यों करें, यद्यपि मान्य है हमारे लिए प्रणम्य है उन्होंने हमें अनेक रत्न दिए हैं किंतु वास्तव में देखा, और उसी स्थान को वेदालय नाम से घोषित कर देना। इसका मतलब वेदालय का अर्थ क्या हो गया कि आज से हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे वेद का जो लेखन का रूप है ये हमेशा के लिए आलय लय होने तक बना रहेगा। अब इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो साक्षात रूप से इतिहास में जो बातें भारतीय इस गौरव के प्रतिकूल आ रही हैं हम क्यों स्वीकार कर लेंगे, क्यों आज तक ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है, कर इस प्रकार के ओझा जी ने ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसी संशयात्मक एक भी बात अपने शास्त्र में बस अगर है ढूंढे हमें। तो जब इस प्रकार से इन्होंने काम लिया है ओझा जी ने तो ये जो आपका विज्ञान है जिसको उन्होंने ब्रह्म विज्ञान नाम भी दिया, उस विज्ञान के पहले भी स्थिति आज भी जैसे अर्जुन जैसे व्यक्ति पूछता कृष्ण ये मेरे समझ में आया कि अग्निशोम किसके संतान है एक कैसे हो गए, ऐसे ही प्रश्न आया। उन प्रश्नों को हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार की बातों को एक साहित्य का रूप दे दिया जो आज हमारे सामने प्राचीन काल के वो कहलाते हैं दर्शन। ब्रह्मा जी का ये सारे दर्शन तो मुझे क्या नाम मधुसूदन जी ये दर्शन तो मुझे ऐसा स्पष्ट कहा नहीं है, वो बड़ी विनम्र व्यक्ति हैं पर उनको ठीक नहीं लगे, ठीक नहीं लगे कि बात मैं अपनी बता रहा हूँ आपको कि भगवान कपिल हमारे लिए अवतार हैं, हम तो उनको पूछते हैं
पर भगवान कबीर का जो सांस है कते ही देश के अनुकूल नहीं है सांस। क्यों? क्या हमारे यहाँ अनेक पुरुषों की रचना वेद में कहीं नहीं है। पुरुष है एक है एव इदम सर्वम। पुरुष कहाँ है वहाँ सृष्टि करने वाला, यहाँ पुरुष अनेक। फिर आकर जो प्रकृति नाम की चीज दी है वो है ही नहीं। यह एक ही व्यक्ति किस प्रकार से दोनों रूपों बदल जाता है, दोनों मन हजारों रूपों बदल जाता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से इस काम को कर रहा है, ये वेद का ही आपको कारण बता रहा हूँ। क्यों मुझे इस प्रकार का लगा कि चाहिए, वेद में कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जब इस सृष्टि को करने लगते हैं, या वो सत्तावान जो व्यक्ति सृष्टि को करते हैं, उसके हजारों अंगों में एक अंग का नाम है पुराण। क्या नाम है अब बताइए? पुराण से सृष्टि हो रही है, हजारों अंगों में एक अंग का नाम पुराण है। अगर ये हम देख लेते तो ये प्रकृति और पुरुष वाली कल्पना एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर आप विचार कीजिए और मनन कीजिए कि इनका ओझा जी का एक एक वचन सर्वथा वेदानुकूल है और वेद की व्याख्या देने में सर्वथा पर्याप्त है। अगर यह अपन जब तक नहीं स्वीकार करेंगे और उस दृष्टि को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इनके 220 भाई इस ग्रंथों की हमें कोई आगे जरूर है। हमारे सुरेंद्र जी जैसे व्यक्ति इन ग्रंथों की रक्षा के लिए और जल्दी से जल्दी लोगों सामने आ जा रहे तो रक्षा तो ये कर लेंगे जैसे तैसे करके, आप लोगों सारे कुछ तो वित्तीय साथ मिल जाएगा, पर जैसे तैसे लोगों के सामने वास्तविक अर्थ में लगकर पहुँच जाएगा इसके लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। तो आपको ही आने लाने के लिए एक मार्ग है कि दिन में हमने ये सारा कार्यक्रम रखा है और आप सब लोगों ने मुझे सुनने का जो अवसर दिया, आप लोगों ने आपकी सेवा में उपस्थित करने का अवसर दिया है, तो मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ।